आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलवामा में आतंकी हमला होने के बाद सुरक्षा बलों के मनोबल में कहीं कमी नहीं आई है। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आर के राणा का मानना है कि कश्मीर में भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। जमीन पर जितनी मजबूती के साथ खड़े होंगे आतंकियों से निपटने के लिए उतना ही आसान होगा। हालांकि इन सभी के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत भी होना चाहिए। अभी पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, ऐसे में आतंकवादियों से सख्ती से निपटना चाहिए। एजेंसी से मिलेगा ताकि वो सतर्क रहें और हमें अपनी पूरी व्यवस्था को अपग्रेड करना पड़ेगा और कहीं भी किसी भी समय आतंकी हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने देखा कि वो सिविलियन को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें बहुत बहुत सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। पुलवामा हमले के बाद फिर लगातार शहादत हो रही है, मेजर गुड़ियाल की शहादत हुई। हाँ, ये मेरे ख्याल जानबूझ के आतंकी जितने भी अपने उनके पास संसाधन है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा डिमोरलाइज करने के लिए। और शायद ये आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा मोराल नीचे जाने के बजाय ऊपर उठ रहा है और पूरा देश सेना के साथ हो गया है। और ये भी मैंने देखा है कि सेना कार्रवाई में खुश रहती है, जब कोई काम नहीं होता तो कोई भी जवान खुश नहीं रहता, अभी उनको एक्शन मिला है करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि सेना बढ़ चढ़ कर उनका जवाब देगी और ऐसे एक्शन के दौरान उनका मोराल बहुत हाई रहता है और देश भी उनके पीछे रहता है। अधिकारी होने के नाते मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि हमें ग्राउंड पे मजबूत होना पड़ेगा। ये एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें नुकसान पहुंचा के, तो राजनीतिक स्तर पे बातचीत चलती रहे, माहौल को सुधारा जाए, लेकिन हमें जमीन पर मजबूत होना पड़ेगा ताकि हर टेररिस्ट को ये लगे कि अगर वो कोई एक्शन लेगा तो वो मारा जाएगा।